रोहित की जगह हनुमा को टीम में रखने पर विराट ने कहा विहारी गेंदबाजी भी कर सकते हैं। प्लेइंग 11 में रोहित शर्मा को नहीं देखकर विराट कोहली की आलोचना हुई थी। हनुमा विहारी ने मैच की दूसरी इनिंग में 93 रन बनाए थे। उन्होंने रहाड़े के साथ शतकीय साझेदारी की थी। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में शानदार शुरुआत करते हुए भारत ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट की सीरीज का पहला मैच 318 रन से जीत लिया। इस मैच के लिए उत्तरी भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में रोहित शर्मा की जगह हनुमा विहारी को मौका दिया गया था। इस पर कप्तान विराट कोहली को काफी आलोचना झेलनी पड़ी थी। अब उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए ऐसा करने की वजह बता दी है। विराट ने बताया है कि बल्लेबाजी के साथ बिहारी की गेंदबाजी क्षमता को देखते हुए ये फैसला लिया गया था। विराट ने कहा है बिहारी को जगह इसलिए मिली क्योंकि सही कॉम्बिनेशन जरूरी था। वे न केवल महत्वपूर्ण पार्ट टाइम बॉलर हैं बल्कि ओवर रेट को नियंत्रण में रखने में भी मदद करते हैं। हमने इस बारे में पहले सामूहिक चर्चा की थी और फिर यह तय किया था कि टीम के लिए क्या बेहतर होगा। प्लेइंग 11 के बारे में हमेशा कई राय रहेंगी, लेकिन लोगों को पता होना चाहिए कि ये टीम के हित के लिए हुआ है, टीम को दिया जीत का श्रेय। कोहली ने आगे कहा है, हाँ मैं फैसले ले रहा हूँ लेकिन उनका कार्यान्वयन दूसरे लोगों द्वारा किया जाता है जो अपने हाथ खड़े करते हैं। हम हर एक के साथ एंजॉय करते हैं और यही हमारी सफलता का राज है। ये एक वरदान है कि मैं एक ऐसी स्थिति में हूँ जहाँ मैं एक से ज्यादा तरीकों से टीम के लिए योगदान दे सकता हूँ, लेकिन आपकी टीम के बिना कुछ भी संभव नहीं। मुझे नहीं लगता है कि इसका श्रेय मैं टीम को बिल्कुल भी दूर किया जा सकता है। दूसरी इनिंग में विहारी ने बनाए 93 रन। मैच में भारतीय टीम की पहली इनिंग में हनुमा विहारी कुछ खास प्रदर्शन नहीं दिखा पाए थे। उन्होंने 32 रन की ठीक ठाक पारी खेली थी, लेकिन दूसरी इनिंग में उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए 93 रन बनाए थे जिसमें उन्होंने 10 चौके और 1 सिक्सर भी लगाया था। उनके अलावा मैच में भारत की ओर से रहाड़े लोकेश राहुल के अलावा जसप्रीत बुमराह और ईशांत शर्मा ने शानदार प्रदर्शन किया है। रहाड़े को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच 30 अगस्त को जमैका के सवीना पार्क मैदान पर खेला जाएगा। विराट कोहली ने रोहित शर्मा की जगह हनुमा विहारी को लिया है, क्या ये फैसला सही है? अपना सुझाव कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।